गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैंने सोचा है अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल स्नैक्स बनाती हूँ जो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो दाल है ना, ये जो दाल है इसे पी मतलब इसे रात भर इस तरह से भिगो करके रखा था। ये चने की दाल है, इसमें मैंने मूंग की जो दाल येल्लो वाली आती है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, तो इस तरह से मैंने भिगो करके रख दिया था। अब जब मॉर्निंग टाइम पे ये अच्छी तरह से फूक जाए तो उसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने तो जीरा अंदर इस तरह से नीचे देखिए, यहाँ पे मैंने जीरा भी डाल दिया है, ये देख सकते हो आप। जीरा मैंने 1 चम्मच डाला था, फिर यहाँ पे 2 चिली डाला है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हो आप। और इसी के साथ में हम यहाँ पे स्वाद के अनुसार बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसे हम फारा कहते हैं, नॉर्थ इंडियन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इस रेसिपी को, और काफ़ी जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। और इसे हम स्टीम करके बनाते हैं चावल के आटे के साथ में। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी रेसिपी भी आज शेयर कर देती हूँ, और आज का रूटीन जो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे आप धनिया देख सकते हो, जो ग्रीन धनिया है इसे लेना है आपको। इसे सबसे पहले मैं वॉश करूंगी, फिर इसमें हम ऐड करेंगे। तो ग्रीन धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है। अभी आपको इसमें ऐड करना होता है नमक। तो सॉल्ट आप ले लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक ही चलता है, हम दूसरा जो है नमक वो नहीं खाते हैं। सेंधा नमक काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, तो सेंधा नमक का आप सेवन ज़रूर करिए। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता रही हूँ, जैसे कि ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, मेरी मम्मी ने ये मसाले मुझे दिए हैं प्रिपेयर करके, बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारे मसाले हैं, जैसे कि इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काला वाला जो वो काली मिरी होती है वो है, ब्लैक पेपर है। तो बस आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करना होता है। ये सारे मसाले पीस पास करके मेरी मम्मी ने मुझे सेंड किए थे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं दालचीनी वगैरह इस तरह से मसाले, अब तो ये थोड़े ख़त्म हो गए, बस मुझे जल्दी ही लेकर आना है। इस टाइप के जो मसाले होते ना, गरम मसाले, अखा वही मसाला है जो 1 चम्मच मैंने डाला है। नमक डाल दिया है, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वाटर डालने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसे पीस सकते हो। मॉर्निंग टाइम पे मेरा यही काम होता है, बहुत ज़्यादा अभी सारा का सारा चीज़ें पेंडिंग है यहाँ पे। एक्चुअली मेरे एरिया में ना कंस्ट्रक्शन वर्क इतना चालू है फ्रेंड्स कि मैं मेरा जो वीडियो होता है मुंबई कर बिंदु के, जैसे आप लोगों को पता है मैं वहाँ पे DIY शेयर करती हूँ, हेयर केयर, स्किन केयर, तो वो काफ़ी लेट हो जाता है, कभी कभी बन नहीं पाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझसे यहाँ पे दिन भर इतनी आवाज़ें आती हैं कि मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज सोचा आप लोगों को अपने ब्लॉग के थ्रू बताऊंगी कि कितनी दिक्कतें होती है, जैसे आप आवाज़ सुन सकते हो। सो चलिए कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे इसे पीस लेती हूँ फटाफट से। आपको हल्के हल्के से यहाँ पे पानी डालना होता है, बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालना होता है, क्योंकि ये नहीं तो गीला हो जाएगा। ये देख सकते हो ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब इसकी बारी आती है कैसे इसकी स्टफिंग हम बनाते हैं, वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो बहुत आसान है दोस्तों ये रेसिपी बनाना, बच्चे भी बहुत ही चाव से और बहुत ही मन से खाते हैं, तो आपने घर में आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। सो चलिए मैं इसे प्रिपेयर करने के लिए आपको बता देती हूँ। आपको यहाँ पे चावल का आटा लेना होता है, कैसे उसे प्रिपेयर करना है वो बताऊंगी आपको। आई थिंक रेसिपी पसंद आएगी ना, प्लीज जरूर बनाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे पतीला लिया है, और ये पतीला भी बहुत ही डिफरेंट काइंड का है। यहाँ पे मैंने इसमें वाटर डाल दिया है, और इसके ऊपर मैं इस तरह से जाली जो है ये प्लेस करूंगी। नीचे आपको पानी डालना होता है, ऊपर से जब आप इसे रखोगे तो स्टीम देना होता है। और ये जो पतीले की खासियत है, इसके अंदर ना आपको इस तरह से थर्मामीटर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, जो कि हम वाटरलेस कुकिंग सिस्टम है ये। आप इसमें वाटरलेस खाना भी बना सकते हो बिना तेल और बिना पानी के, बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो इसे हमें सबसे पहले पानी को हम गर्म करेंगे, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं हम इसके ऊपर रख देंगे, और सिर्फ हम यहाँ पे 90 डिग्री पे ही पकाएंगे। यहाँ पे सेल्सियस दिया है, तो ये 90 डिग्री आप देख सकते हो यहाँ पे, उसी पे हमें इसे कुक करना है। और ये बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन आपको पूरा मिलता है इस बर्तन में। अगर आप चाहते हैं कि ये बर्तन के बारे में मैं और भी बातें करूँ, आप लोगों को बताऊँ, तो आप मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ चावल का आटा, चावल का आटा मैं ले रही हूँ दोस्तों। एक्चुअली मैंने यहाँ पे पीसा हुआ चावल का आटा इस तरह से लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये भगीरथी का, इससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हमारा डो बनता है। आप वैसे तो फिर अपने घर पे भी पीस सकते हैं, देखिए मेरे पास तो चक्की है, फिर भी मुझे ऐसे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँ,
मैं हमेशा प्रिपेयर करती हूँ कि आपने चक्की में ही चावल का आटा या फिर गेहूं जो होता है वो तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। तो इस तरह से मतलब आपको ये एक पाव के तकरीबन, तो फिर यहाँ पे 250 ग्राम तो आपको यहाँ पे चावल का आटा लेना होता है। अब हम इन सारी चीजों को साइड करते हैं। तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है, 1 गिलास भर के पानी यहाँ पे रखा हुआ है, और उसी के अंदर आपको इस पानी के अंदर थोड़ा सा इस तरह से 1 चम्मच के तकरीबन ऑयल डाल देना होता है, ठीक है। और ये जो हमारा पानी है ये थोड़ा सा हमें हल्का ही गर्म करना है, बहुत ज्यादा इसे बॉइल नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आपने इस टेक्निक से फारा बनाना सीख लिया तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छी तरह से, आपके बच्चे भी चाव से खाएंगे, ठीक है। तो हमने चावल का आटा लिया है यहाँ पर, अभी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे चुटकी भर नमक लेना होता है और इस चावल के आटे में आपको डाल देना है, जो काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिससे कि यू नो फर्मेंटिंग एंड ऑल आप इंस्टेंटली आप इस तरह से बोल सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, जो हमने देखिए हल्के से ये जो पानी को गर्म किया है इसको क्या करना है, धीरे धीरे आपको इस तरह से इसमें मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से चम्मच की हेल्प से, अभी थोड़ा पानी गर्म रहता है इसलिए आप हाथ अपना डायरेक्ट मत डालिए इसके अंदर, और हल्के हल्के से आप इस तरह से पानी की कंसिस्टेंसी जो है वो आपको चेक करना होता है। तो चेक कर लीजिए और उस तरह से अपने चावल के आटे में इस तरह से पानी को आपको डालना है। ये एकदम से ऐसे गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा हल्का हल्का इस तरह से, ये देखिए। तो गर्म पानी जब आप डालते हो ना चावल के आटे में तो ये काफी अच्छी तरह से बनता है। अब देखिए मैं अपने फिंगर का ही हेल्प लूंगी और इस तरह से हाथों से उसको धीरे धीरे आपको मसलना होता है। आपको समझ में आ जाता है कि आपको कितना पानी डालना है, उस हिसाब से ये देखिए ये जो गांठे हैं वो बनना शुरू हो जाती है। तो चलिए इसे अब मैं फटाफट से अब इसे गूंथ लूंगी, काफी गरम गरम लग रहा है फिर भी आपको इसे फटाफट करना होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और मैं इसी तरह से मोदक भी आप बना सकते हो, मोदक बना सकते हो, मोमोज बना सकते हैं चावल के आटे का, बच्चों को जो बहुत ज्यादा पसंद आता है। मोमोज के लिए भी स्टफिंग अगर आप करना चाहते हो तो चावल काफी ज्यादा अच्छा होता है, बेसन से भी आप कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमारा जो आटा है इस तरह से लग जाएगा, इस तरह से आप भाकरी भी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है जो चावल के आटे से आप इन सारी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो। अभी इस तरह से मैं इसे छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़ा सा अच्छा और भी सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसका गोला बनाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये गोला बना करके रेडी कर लिया है। अब इसका जो प्रॉपर टेक्निक है वो मैं बता देती हूँ आपको, इस तरह से किस तरह से आप ये स्टफिंग करेंगे इसके अंदर। तो चलिए ये तरीका भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से दो तरीके से बना सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को मोमोज के बारे में कहा तो आप इसमें मोमोज भी बना सकते हो, ऐसी जो टूल्स आती हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है वो मैं आप लोगों को बताऊं। यहाँ पे मैंने देखिए तेल रखा हुआ है कटोरी में, और आपको सबसे पहले ये जो सांचे होते हैं ना तो इसके अंदर आपको इस तरह से तेल लगा लेना होता है इस तरह से, और थोड़ा सा हिस्सा आपको इस तरह से चावल का आटा लेना होता है और इसके अंदर आपको इस तरह से फील करना होता है। तो गणपति जी आने वाले हैं, अब मोमोज तो खूब बनेंगे, आप लोगों को ये टेक्निक मैं आज बता देती हूँ जिससे कि आप भी बना सकते हो। थोड़ा सा फिंगर पे आपको इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से प्रेस करते हुए क्या करना होता है, इस तरह से जो एक्स्ट्रा हमारा मटेरियल है उसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको चावल के आटे का बना रही हूँ, आप बता रही हूँ, आप इसी तरह से मोदक का जो हमें सामग्री रेडी करते हैं वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छी तरह से हम इसे स्टफिंग कर लेंगे और यहाँ पे इसी तरह से इसे क्लोज भी कर देंगे ऐसे, देखिए। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से आपका ये क्लोज भी हो जाएगा, तो आप इसे आसानी से इस तरह से ओपन कर सकते हो। तो ये एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया है जैसे कि आप मोमोज वगैरह बना सकते हो बच्चों के लिए, बच्चे काफी पसंद करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने इस तरह से हमारा ये जो पैन रखा हुआ है, सबसे पहले आपको इसके ऊपर ऑयल लगाना है और इसी तरह से एक एक करके आपको सारे जो फारा बना रहे हो या मोमोज बना रहे हो आप यहाँ पे इसे रख सकते हैं, ठीक है। उसे हम ऑन भी कर देते हैं। अब देखिए मैं आपको दूसरा जो टेक्निक है वो बता देती हूँ। थोड़ा सा चावल का आटा लेना है और इस तरह से आपको प्रेस करना है, ऐसे आप हाथों से इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, इस तरह से गोली एक गोला रोटी बना करके
इसके बीच में इस स्टफिंग को आपको इस तरह से रखना है, स्प्रेड करना है और जस्ट इसको इस तरह से बंद कर देना है। तो ये हमारा फारा होता है नॉर्थ इंडियन साइड का, जो काफी ज्यादा फेमस होता है। इसे आप चटनी के साथ में, हरी चटनी के साथ में, मीठी चटनी के साथ में आप इसे सर्व करें, काफी बेहतरीन लगता है खाने। तो चलिए फटाफट से हम अपने फारा को रेडी कर लेते हैं। दो चीजें मैंने यहाँ पे बना ली हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, बिल्कुल आप भी इसी तरह से बनाइएगा और आपका कॉमेंट मुझसे शेयर जरूर करिएगा। मीन्स फीडबैक, जब भी आप इसे बना लोगे ना, खाओगे ना, तब आपका फीडबैक मुझसे शेयर करना, ठीक है। बाकी की चीजें मैं फटाफट से अभी इसे कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा जो फारा है ये रेडी होने के कगार पे है। आपको यहाँ पे इस ढक्कन को लगा देना है बस सिंपली, और इसे 90 पे जाने पे, यहाँ पे एक येलो कलर का आपको ये दिख रहा होगा, बस ये 90 पे चला जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और हमारा फारा जो है वो रेडी हो जाएगा। देखिए ये 90 पे हमारा कुकिंग इसका, और ये पूरा अच्छे से बन चुका है। तो ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है, इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। तो इसे अब निकालते हैं, अब धीरे धीरे से अब इसे सर्व करेंगे। आप इसे इस तरह से कट करके एंजॉय कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा और बढ़िया टेस्ट लग रहा है ना। अब इसे मैं खा के टेस्ट करके बताऊंगी, अभी बोल रही हूँ। तो चलिए इसे सर्व करके खाते हैं। चलिए आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज बनाइए जरूर घर पे। हम मूवी भी देख रहे हैं और मेरा कैमरे का कुछ सेटअप वगैरह भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो ये डाइनिंग लेने का मेरा एक ही पर्पज़ था कि मैं अच्छी तरह से यू नो शूट कर पाऊँ, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया। और यहाँ पे आप ये रेड कलर की चटनी देख सकते हैं, सेजवान चटनी है, उसके साथ हम एंजॉय करेंगे। यम्मी, बहुत सारी चीज़ें जो आप मेरे डाइनिंग पे देख रहे हो ये तो मैंने अभी मंगवाई है, और इसका शूट जो होगा वो मुंबई घर बिंदु पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग है यार। चलिए एंजॉय करते हैं। बस अभी अभी एंट्री की है मैंने घर में, और बच्चों की चलिए अब क्लास स्कूल सब चालू हो गया है, तो फिर अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी रहेगा। बट कैसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ना चाह के भी नहीं कर पाते, क्योंकि घर के काम इतने रहते हैं ना सच में, कि अकेला इंसान सारा चीज़ यू नो मैनेज करना पड़ता है, हर एक चीज़ आप समझ सकते हो। तो बस अभी मैं आई हूँ बाहर से, और मैं वही सोच रही थी कि कल सुबह के लिए मैं क्या बनाऊँ। तो मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा पनीर पसंद है, तो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी वो सोच रही थी। और चलिए थोड़ी टाइम के बाद, मतलब थोड़ा शाम हो जाएगा, तो मैं सब्ज़ी वगैरह भी लेने जाऊँगी। चलो फिर यार, अभी थोड़ा सा मैं अपने लिए, अभी खा ली, अकेले रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बनाऊँ, क्या प्रिपेयर करूँ। बच्चों को मैंने थोड़े से स्नैक्स बना के दी थी अभी दोपहर के टाइम पे, मैंने थोड़ा सा नैप भी लिया था, मैं सो गई थी, और थोड़ी सी ये सब चीज़ें मैं खाऊंगी। अभी भी बचा हुआ है मेरा मॉर्निंग का फारा, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हस्बैंड के लिए मैंने रखा है दो, और एक अभी उसमें से मैं खाऊंगी, तीन रखा है मैंने। तो फटाफट से मैं अभी थोड़ा चाय बनाऊंगी, हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा सो लिया मैंने, इतना तो मैं कभी सोती नहीं हूँ। अगर मैं एक बार इतना सो जाऊँ ना 2-3 घंटे, तब मेरा सर बहुत ज़्यादा फटने लग जाता है, हेडेक की तो पूछो ही मत यार। लेडीज़ लोगों में ये तो कॉमन प्रॉब्लम होने लग गई है अब। और चलिए मैं आज फिर, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और मैं कल आप लोगों से मिलूंगी। आई होप आप लोगों को मेरी छोटी सी ब्लॉग पसंद आई होगी, और रेसिपी कैसी लगी जरूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं लाइफ में उसे बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मिलती हूँ मैं आपको, बाय।